सपोज करिए मियां बीवी विलिंगली सेक्सुअली इंटर करते हैं और उसके बाद दोनों में से कोई भी बंदा कहता है कि इसने मेरा रेप करा है, तो उसे कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं आप? मेरी बीवी शादी में जाने के लिए मुझ पर विलिंगली सेक्सुअली इन्वॉल्व हुई और फिर कहती है 15,000 दो साड़ी खरीदने के लिए, नहीं तो मैं सुबह केस लगा। तो सिर्फ लड़की का ही रेप हो सकता है, लड़के का नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो फिर अगर इसको कंसीडर कर रहे हैं तो जेंडर न्यूट्रल कंसीडर करो ना। आज की डेट में कोर्ट में 80% केसेस मैट्रिमोनियल रिलेटेड ही हैं। कानून बन गया तो इसका इतना ज्यादा मिसयूज होगा कि सोसाइटी में शादियां होनी बंद हो जाएगी और लड़कियों के पास एक और एक्सटॉर्शन टूल आ जाएगा, जो कि जो अभी 498 में अरेस्ट बंद हो गया है तो उस केस में फिर से अरेस्टिंग चालू हो जाएगी और ये एक्सटॉर्शन का धंधा बहुत तेजी से बढ़ेगा। बंद कमरे में किसके साथ क्या हुआ कोई नहीं बता सकता, सिर्फ एक लड़की का सिर्फ एक स्टेटमेंट देना ही काफी होता है एक लड़के की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। आप वाइफ को चुमना चाहते हैं, वाइफ थोड़ी सी शर्मा के पीछे हटती है, ना अनुकूल करती है, उसका एक अलग मजा है, आप उसको भी रेप बोलना शुरू कर दे रहे हैं। इतना बड़ा ये धंधा है, ये अगर खत्म हो जाएगा तो जो जज है मच्छी मक्खियां मारेंगे। ये काले कोर्ट वालों ने पूरे दुनिया को सिस्टम गोल 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 घुमा के ना अपने पैसा कमाने के चक्कर में मार रखा है। लड़कियों का दिमाग में इतना नहीं होता 498 76 और ये सब डीबी, ये वकील उनके दिमाग में गंद भरते हैं। सिर्फ पैसे का रोड़ा है, ये कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं ये कहता हूँ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली में सिमरन और आज मैं आपको फिर उसी मुद्दे पर लेकर आई हूँ जो एक बार एक टाइम ऐसा था जब वो मुद्दा बहुत चला था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मैरिटल रेप का। जी हाँ, मैरिटल रेप एक ऐसी चीज़ है जो जिसमें शादीशुदा जो पति पत्नी होते हैं पति पत्नी के साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध नहीं बना सकता, इसको लेकर जो ये मुद्दा एक बार बहुत ज़्यादा उठा था उसी को लेकर आज हम यहाँ पर बात करने वाले। पुरुष आयोग की मांग करने वाले जो भी यहाँ पर प्रदर्शनकारी हैं उनसे हम बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे कि आखिरकार उनकी क्या राय है इस चीज़ को लेकर, ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। क्या नाम है आप? मेरा नाम संदीप है। मैरिटल रेप जो है वो सही है या गलत है? मैरिटल रेप सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है मैडम। मैरिटल रेप आना ही नहीं चाहिए, आप कैसे जस्टिफाई? एक तरफ कोर्ट कहता है आप बेडरूम के अंदर कैमरे नहीं लगा सकते, सपोज करिए मियां बीवी हमारे अगर साथ में विलिंगली सेक्सुअली इंटर करते हैं फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं और उसके बाद दोनों में से कोई भी बंदा कहता है कि इसने मेरा रेप करा है, तो उसे कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं आप? या तो आप बेडरूम के अंदर कैमरे अलाउड करिए, कोर्ट कहता है कैमरे लगा नहीं सकते हैं, तो उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? हमारे पास मेरे एक ऐसे जानकार भाई ने सजेशन लिया कि भाई मेरी बीवी शादी में जाने के लिए मुझ पर विलिंगली सेक्सुअली इन्वॉल्व हुई और फिर कहती है 15,000 दो साड़ी खरीदने के लिए, नहीं तो मैं सुबह केस लगा रही हूँ। बेचारा एक ऑटो और एक छोटे लेवल का क्लास 4th ग्रेड का कर्मचारी वो लेवल का आदमी, तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते रहते हैं। हम अपने जैसे भाइयों की खूब हेल्प करते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं कि भैया इनसे सुसाइड करने की जरूरत नहीं है, डरने आदमी के पास में फिजिकली सपोर्ट नहीं मिल पाता है बहुत लेवल पे। लड़कियों को इमोशनल बहुत सपोर्ट मिलता है, एनजीओ से मिलता है, गवर्नमेंट से मिलता है, फैमिली से मिलता है, समाज से मिलता है, आदमी को कहीं सपोर्ट नहीं मिलता है। आप दूसरा क्वेश्चन कुछ हो? लेकिन जो देखा जाता है कि सारी महिलाएं जो है वो झूठ नहीं बोलती, कुछ महिलाओं के साथ सच में जो ये हादसा होता है, तो इसके लिए भी क्या नहीं आना चाहिए? मुझे ये जानना है हादसा क्या है पहले, तो हादसा मैरिटल रेप है। शादी का मतलब क्या है? शादी का मतलब दो लोगों की रजामंदी और साथ, और उसके बाद आप उसी को रेप में बताना चाह रहे हैं, उसको हादसा बता रहे हैं शादी को। लेकिन अगर किसी लड़की का मन नहीं है तो जबरदस्ती करना क्या वो मन भी नहीं होता है? बिल्कुल, उसको रेप क्यों कंसीडर क्यों नहीं कर रहे आप? तो सिर्फ लड़की का ही रेप हो सकता है, लड़के का नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो फिर अगर इसको कंसीडर कर रहे हैं तो जेंडर न्यूट्रल कंसीडर करो ना। इसमें किसी भी कंट्री में इस चीज के लिए ना बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करा गया है, किसी भी कंट्री में शादी के बाद इसको रेप कंसीडर नहीं करा गया है। आप मैरिटल रेप बता रहे, किसी भी कंट्री में नहीं है, हर जगह जो है स्पाउसल वायलेंस है, उसी के लिए इंडिया में है डोमेस्टिक वायलेंस है, लेकिन वो भी सिर्फ फीमेल्स के लिए बनाया गया, मेल्स के लिए नहीं। यहाँ पे आपने देखा होगा लड़के आ रहे हैं परेशान होके, उनको कैंसर है, उसके बाद भी ऐसे करके आ रहे हैं, उनके ऊपर इतना वायलेंस हो रहा है। एक्चुअली हरासमेंट ये होता है, लड़कियों पे नहीं हो रहा, वो तो जाके बोल देती है कुछ नहीं चाहिए कोर्ट को, कुछ नहीं देखा जा रहा है, सिर्फ लड़की ने बोला है उस पर केस चलाए जा रहे हैं, वो केस डिसाइड नहीं कर रहे हैं, डिसाइड करने के लिए प्रूफ आने चाहिए, वो डिसाइड नहीं कर रहे, वो होता है इंटरिम रिलीफ पे ही केसों को 10-10 साल खींच रहे हैं। आज की डेट में कोर्ट में 80% केसेस मैट्रिमोनियल रिलेटेड ही हैं, उसके अंदर आपका चाहे तो क्रिमिनल केस बनाया गया हो, 354 हो, 376 हो, 377 हो, 498 हो, 125 हो, डीवी हो, ये सारे केस जो हैं कनेक्टेड होते हैं मैट्रिमोनियल से, और अगर डायरेक्टली नहीं हो तो इनडायरेक्टली कुछ और केसेस बना जाते हैं कि हमको मारने की कोशिश की, 506 लगा दो जी, मेरे सिस्टर से छेड़खानी करी जी और लगा दो,
इस तरह के सारे जो कनेक्टर है पूरे जुडिशियल सिस्टम के 80% केसेस जो है मैट्रिमोनियल रिलेटेड ही है, क्योंकि उनको पता है कि इन केसेस को लगाने के बाद लड़के पर प्रेशर बढ़ता जाएगा, वो लाखों देने को राजी हो जाएगा। पहले वाले जो केसेस है उनको जेंडर न्यूट्रल नहीं बनाया जा रहा, नया एक लेके आ रहे हैं कि इस पे अब पहले बंदा लड़ रहा है, लड़े ना, इससे सीधा खत्म कर दो, तोड़ दो उसकी हिम्मत को। अगर ये चीज आ गई तो महिलाओं की पावर जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है? देखो, इससे अगर ये कानून आ गया तो जो हमारा मैरिज सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा, अभी तो फिर भी चल रहा है। अगर ये कानून बन गया तो इसका इतना ज्यादा मिसयूज होगा कि सोसाइटी में शादियां होनी बंद हो जाएगी और लड़कियों के पास एक और एक्सटोर्शन टूल आ जाएगा, जो कि जो अभी 498 में अरेस्ट बंद हो गया है तो उस केस में फिर से अरेस्टिंग चालू हो जाएगी और ये एक्सटोर्शन का धंधा बहुत तेजी से बढ़ेगा। लड़की आएंगी, वो शादी करेंगी, कंसेंशुअल रिलेशनशिप बनाएंगी और बाद में कोर्ट में मतलब पुलिस स्टेशन में जाके बोल देगी मेरे साथ जबरदस्ती हुई है। बंद कमरे में किसके साथ क्या हुआ कोई नहीं बता सकता, सिर्फ एक लड़की का सिर्फ एक स्टेटमेंट देना ही काफी होता है एक लड़के की जिंदगी बर्बाद करने के लिए, उसके बाद कुछ नहीं होता। जैसे पोस्को में होता है और किसी एक्ट में है, सीधा अरेस्ट होगा और लड़का बाद में या तो सुसाइड करेगा या फैमिली प्रेशर, उसकी फैमिली क्योंकि लड़का अंदर बंद है तो प्रेशर में आके पैसा देगी और ये एक बहुत बड़ा मतलब इंडस्ट्री फिर से बूम करेगी इस चीज के लिए और इसका बहुत वाइडली मिसयूज होगा और शादी का सिस्टम बंद हो जाएगा। ऑलरेडी हो गया है और आने वाले 5-10 साल में अगर ये कानून आ गया तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। मैं सबरजीत सरदार जी का एक केस हुआ था, लड़की ने रेड लाइट पे खड़े झूठा इल्जाम से इसी झूठा ब्लेम लगा दिया, रातों रात लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई साल वो। हाँ, ऐसे प्रियदर्शनी वाला कांड हुआ था, हमने अभी सोनीपत में हम लोग गए थे, हम लोगों ने दिल्ली में ग्राउंड पे डेली वॉरियर नाम से ग्रुप बनाया था, हम लोग फ्री में अपने जैसे भाइयों को जो सुसाइड करने जा रहे हैं उन सबको हेल्प करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। अभी सोनीपत में हुआ था, लड़की ने झूठा केस लगा दिया, 376-377 धारा में लगा दी, अपने ससुर पे भी लगा दी, सास पे भी, देवर पे भी। वो सिर्फ सामाजिक प्रताड़ना की, हम कोर्ट में तो सच्चे साबित हो जाएंगे बट इस समाज को जहां हमारी पुश्तें परदादा के परदादा रह रहे हैं हम समाज को कैसे देखेंगे। रातों रात तीनों ने सुसाइड कर लिया। सोनीपत का कांड है नवंबर 2022 का, यहां से गए कुछ 5-6 नवंबर के आसपास का। बेचारे उन लोग, उनका क्या था कि इन्होंने लड़की से अच्छी घर की देख के लड़की से शादी करी, इसकी समाज को मुंह कैसे दिखाएंगे, मोहल्ले पड़ोस को क्या दिखाएंगे। तीनों ने सुसाइड कर लिया, पुलिस FIR नहीं कर रही थी। हम लोग विजय भाई, रजत और ऐसे कई सारे लोग गए, सोनीपत गए, तब लड़की के नाम FIR हुई है। टिंडर से लड़की लड़के को उठाती है, झूठे केस लगाती है, पैसे उगाही करती है। अभी तीन लड़कियां गुड़गांव में पकड़ी गई, किसी से 10 लाख, किसी से 5 लाख, किसी से 2 लाख। स्टिंग ऑपरेशन करके दीपिका मैम ने और सब लोगों ने करके पकड़वाया उन लड़कियों, 14-9 लड़के या कुछ ऐसे थे एक ही शहर में। हाँ, लड़के जेल में थे, किस लिए? उस लड़की को क्यों सजा नहीं मिलती है, उसकी खानदान से कुड़की क्यों नहीं होती? जब हमारे HM हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर में लड़की को माँ बाप की संपत्ति में हिस्सा दे दिया गया है, 2 महीने की शादी 3 महीने की शादी लड़के की जायदाद क्यों चाहिए तेरे को? अपनी काबिलियत में लेके जा, गाड़ी खरीदू मैं तू, तेरे को तेरी गाड़ी में तेल भी डलवाऊ, क्यों झेलू मैं? मेरी कमाई मेरे लिए, तेरी कमाई तेरे लिए, बच्चे का सुख भी तू रख रही है, उसके बाद भी पैसे मैं दे रहा हूँ, खर्चा मेरा, मेरे को ना तो परिवार मेरा रहा, ना घर मेरा रहा, ना बच्चा मेरा रहा, और कमाऊ भी मैं और देता तेरे को रहूं। शादी किस लिए करते हैं आप? शादी के लिए जरूरी है कि आप दो लोग साथ में रहें और उनसे आप बच्चे पैदा करें तो वंश आगे बढ़ेगा, हमारा ह्यूमन बढ़ेगा। और शायद हम लोग जानवर और इंसान में यही फर्क है कि जानवर शादी नहीं करते बच्चे के लिए और हम करते हैं, बट आप हमें जानवर बनाने पे लगे हैं। कुंवारी लड़की से लड़का लड़की आपस में बच्चा पैदा करें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? वो 10 लोगों के साथ संबंध बनाए मतलब कुत्ते हो गए हम। हम समाज में रहते हैं, हम सामाजिक लोग हैं। मैरिटल रेप आने से क्या होगा? अब होता क्या है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में एक छोटी मोटी एक चीज कही जाती है, खट्टी मीठी चीजें, तकरार, आप वाइफ को चूमना चाहते हैं, वाइफ थोड़ी सी शर्मा के पीछे हटती है, ना अनुकूल करती है, उसका एक अलग मजा है। लेकिन आप अगर मैरिटल रेप कहते हैं इसको, वाइफ ने कहा नहीं 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 आज नहीं है, और हस्बैंड थोड़ा सा उसको मनाने की कोशिश करता है, यही तो है रस उस मैरिड में, आप उसको भी रेप बोलना शुरू कर दे रहे हैं। और इस तरीके से आप अगर हमारे बेडरूम में घुस रहे हैं, आप सिर्फ मर्द को दोषी बना रहे हैं। मान लीजिए मैं कहता हूं ठीक है, किसी लड़की का मन नहीं है कि वो उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करे और उसको जबरदस्ती मर्द ने किया तो रेप बना दिया आपने,
इसको जस्ट रिवर्स कर दीजिए, क्या किसी लड़के का मन ना हो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का, फिर भी औरत जबरदस्ती करे, तो क्या इसको मैरिटल रेप आप कंसीडर करेंगे? नहीं, नहीं, वो लड़की का हक है। लड़की का रेप होता है क्या? आप जब तक इसको डिफाइन नहीं करेंगे तब तक ये मैरिटल रेप, गैंग रेप, कुछ भी कहते रहिए आप। आप बताइए ना, एक जज बोलते हैं कि एवरीबॉडी हैज बोर्न फ्रॉम अ रेपिस्ट। एक बहुत बड़ी फिल्म एक्ट्रेस है नंदिता दास, वो कहती हैं कि हर आदमी के अंदर एक रेपिस्ट छुपा हुआ है। उसने कहा मेरा बाप भी रेपिस्ट है, मतलब वो रेप की पैदाइश है, मतलब एंड उसका मतलब ये लोग इस हद तक जाते हैं फेमिनिस्ट कि अपने बाप तक को नहीं माफ करते। एवरी मैन इज अ डॉग, देन हु आर यू, आर यू अ डॉटर ऑफ अ डॉग? वो कहती है यस, मेरा बाप भी डॉग था। सो ये जो चीजें है ना, दिस इज नॉट अ समाज, और समाज जो है यही अंतर करता है एक इंसान को जानवर से। इतना बड़ा ये धंधा है जो कि 80% जो केसेस होते हैं सारे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होते हैं, डिस्प्यूट जो होते हैं, तो ये अगर खत्म हो जाएगा तो जो जज है मक्खियां मारेंगे। ये सब लड़ाई झगड़ा क्या है? सिर्फ ये जो दो एक लड़का एक लड़की ने शादी करी, उनको किसी ने गुमराह कर दिया, झूठे केसेस लगवा दिए, बस वही फालतू की चीजें चले आ रही हैं। ये खत्म करना चाहिए, ये खत्म करना ही नहीं चाहते हैं। ये जजेस हो गए, वकील हो गए, इनका तो धंधा है, ये पैसे कमाते हैं इस चीज से। आप क्या कहना चाहते हैं? जैसा भाई ने बोला, ये एक्चुअली हमारी जो न्याय व्यवस्था बनाई गई थी, लोगों को न्याय दिलाने के लिए बनाई गई थी, तो अभी इसमें क्या है, बिजनेस बन गया, तो ये लाखों करोड़ों का बिजनेस है। तो वकील और पुलिस वाले भी नहीं चाहते कि जल्दी से जल्दी किसी को न्याय मिले, क्योंकि न्याय मिल गया फाइल क्लोज, पैसा नहीं आएगा। अब सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा, हमारी सरकार को थोड़ा सा एक्शन क्या लेना चाहिए, क्या पुलिस वाले ढंग से काम करें, क्योंकि सबसे पहले जो भी जैसा भी केस होता है पुलिस स्टेशन में फाइल होता है, पुलिस वाले को ये चाहिए कि वो अपनी ड्यूटी पूरी अच्छे से करे। लेकिन पुलिस वाले क्या सोचते हैं, केस आ गया, हा हा हा, अब पैसा आएगा, तो उनको भी ये लगता है वो दोनों पार्टी से खाता है, लड़कियों से भी खाते हैं और लड़कों से भी खाते हैं, फिर जज के पास जाता है, फिर वकील के धक्के वक्के, ये सब वो पैसा, मतलब ये बिजनेस है। ये काले कोर्ट वालों ने पूरे दुनिया को सिस्टम गोल 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 घुमा के ना अपने पैसा कमाने के चक्कर में रखा है, ठीक है, लैंग्वेज के लिए सॉरी, क्योंकि क्या करें, हम लोग इतना परेशान। और ये जो पुरुष आयोग जो आने वाला है ना, ये हम औरतों के खिलाफ नहीं है, हम आदमियों के सपोर्ट में है। सबसे बड़ी गलती माँ बापों की, माँ बाप लड़कियों का दिमाग खराब करता है। अगर माँ बाप बोल देना, जैसे हिंदू रीति रिवाज होते हैं, लड़की को पूजा पाठ धर्म कर्म सिखाएं कि बेटा जैसे पहले होता था, जैसे हमारी माएं आज तक टिकी हैं इतने कष्ट और उसके साथ भी, ये तेरी डोली जाएगी और अर्थी निकलेगी, ऐसा ये गलत नहीं है, इसको नेगेटिव ना लें पॉजिटिव लें। अब पुलिस वाले और वकील, लड़कियों का दिमाग में इतना नहीं होता 498 76 और ये सब DB, ये वकील उनके दिमाग में गंद भरते हैं। अब जैसे कि मेरी भाभी का ही ले लो, कुछ नहीं किया, वकील के पास गई के दहेज का केस लगाएंगे, ये लगाएंगे, वकील ने बोला दम नहीं है, तो क्या केस किया उसने, रेप का केस किया, पूरी फैमिली को ही लपेट दिया, बाप को, भाई को, चाचा को, जीजा को, सबके ऊपर 6 से 7 लोगों पर रेप केस लगा दिया। तो ये वकील और जो पुलिस वाले ना, ये अपनी गंदी थिंकिंग को लड़कियों के दिमाग में डाल देते हैं। आपने जिस तरीके से बोला कि गलत हो रहा है ये, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि जिन महिलाओं के साथ सच में गलत होता है, आप क्या उन पे भी अपना वो टारगेट बना रहे हैं? नहीं जी, हम तो भगवान राम के वंशज हैं, हम तो आज भी राम से पहले सीता का नाम लेते हैं, सीता राम राधे राधे। जब हम एक औरत की इज्जत के लिए महाभारत जैसे युद्ध कर सकते हैं ना, मैं आज भी अगर किसी औरत के साथ गलत हो रहा है, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। हम अच्छी औरतों के खिलाफ नहीं हैं, हम गलत औरतों के खिलाफ हैं, और हम औरतों के भी खिलाफ नहीं भैया, हम तो पुरुषों के सपोर्ट में। आप भी इस प्रोटेस्ट में? ऐसे लेडीज एक घर की बानी है, सब कुछ है, तो जितना उतना अधिकार दो। जैसे कोई आवारा बहन बेटी है, वो इसका गलत फायदा उठा रहे, तेरे बली बीरवानियाँ बदनाम होती हैं, इसके अंदर बली भी है, वो बदनाम होती हैं, आवारा होती है, उसका फायदा उठाती है। सिर्फ पैसे का रोड़ा है, इसीलिए इस समाज को क्या काम करे, यू लड़का लड़की को जैसी लड़की है उसी टाइप का उम्र के साथ शादी कर देनी चाहिए। नौकरी के लायक नौकरी करती है तो नौकरी वाले के करो, जमींदारा करती है तो जमींदारे के साथ करो। यदि गलत किया गया तो ये भ्रष्टाचार एक दिन हिंदुस्तान को लेके रहेगा। इन्हें ये कहते बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो सरकार कहती है
तो क्या काम करे, एक बात बताओ, कल युवाओं के साथ भ्रष्टाचार खिलाड़ियों के साथ हो रहा था, बृजभूषण था और उसने सारे सबूत मिल गए थे, क्या उसको अरेस्ट क्यों नहीं करवाया? बेटी बचा कह रहे थे, ये कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं ये कहता हूँ बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, ये है बीजेपी की शिक्षाएं। आपको बताऊं क्या काम करे, इसीलिए क्या काम करे, हरियाणा के क्या काम करे, मंत्री है उसने खिलाड़ी बहन बेटियों के साथ गलत काम किया, हाँ तो उसको हमने रेस्ट करवा दिया कह करके। लेकिन बृजभूषण को ये केंद्र सरकार मोदी सरकार क्यों नहीं करवा रही इसको? इसीलिए क्या काम करा, या सरकार बेटियों के हक के अंदर नहीं है, सुरक्षा नहीं दे सकती है, झूठा नारा लगाती है, इस देश को सांप्रदायिक पार्टी है, इस देश को बर्बाद करना चाहती है। मैरिटल रेप पर जो ये आप वीडियो देख रहे थे, इसमें आपने अलग अलग पुरुषों की जो है वो राय देखी है, जो पुरुष आयोग को लेकर जो लोग यहाँ पे प्रदर्शनकारी हैं उन लोगों ने इस पर जो है पूरा का पूरा कर रखा था, अपने तर्क दिए, अपनी बातें रखी कि किस तरीके से ये चीज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लेकिन आपकी क्या राय है ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, इसलिए अपनी राय भी कमेंट में जरूर बताएं। और इसी के साथ देखते रहे झलको दिल्ली, मैं सिमरन जंतर मंतर से।